गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज जा रही हूँ मैं बुक्स लेने अपने बेटे के लिए, क्योंकि 4 तारीख से क्लास स्टार्ट हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ बुक लेने, तो बने रहे हमारे साथ और दिखाते हैं हम कहाँ से बुक ले रहे हैं। तो चलिए ठीक है फिर। तो दोस्तों, अभी हम निकल चुके हैं घर से और रास्ते में हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी हरियाली, मतलब यहाँ पे एक ग्राउंड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे हरियाली है, हरियाली, पेड़ पौधे। अभी देखेंगे आपके बहुत सारे पेड़ हैं और बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं। देखते रहिए आप, यहाँ पे देख सकते हैं कितने ऊंचे पेड़ हैं। अभी आई कुछ देर पहले, थोड़ा पानी वानी पिया, तो मैंने सोचा आपको बता दूं कि मैं घर आ चुकी हूं और दिखाती हूं मैं आपको कितनी सारी बुक, नोटबुक और बुक्स लेके आई। तो कुछ बुक्स तो मेरे पास थी, लेकिन नोटबुक तो सारी लेके आई। तो दिखाती हूं मैं क्या क्या लेके आई। तो दोस्तों, ये है कवर, ये दो लेके आई हूँ मैं, जो कि कॉपी में भी और बुक्स में भी लगेगी। और कुछ तो मेरे पास पिछले बार की पड़ी हुई है, तो मैं दो ही लेके आई थी। और ये है वाटर कलर, ये ड्राइंग का काम आता है। ये है नेम चिट, ये मैं दो लेके आई हूँ, और बाकी पिछले बार की बहुत सारी पड़ी हुई हैं, पर मैं दो लेके आई हूँ। और ये चार बुक्स थी, तो इनमें से तीन ही मिली। एक हिंदी व्याकरण है, एक कंप्यूटर है, और एक जीके है, और एक इंग्लिश ग्रामर की रह गई है, जो कि मिली नहीं, तो उसको बाद में लेके आऊँगी। और बाकी एनसीईआरटी वाला मेरे पास पहले का पड़ा हुआ है। और ये वाली कॉपियाँ लेके आई हूँ मैं, ये तो चार हैं, दो ये और दो ये, तो ये चार कॉपी तो काफ़ी मोटी हैं। और इनमें चार में थोड़ी पतली लेके आई हूँ, ये देख सकते हैं। और ये चार इंटरलीफ वाली ये वाली है, और ये वाली चार हिंदी वाली है। इंटरलीफ वाली जो मैंने पहले बताई ना आपको, ये वाली ये इंटरलीफ वाली है, ये वाले हिंदी कॉपी हैं। तो ये लेके आई मैं 4, 4, 8, 12 नोटबुक हैं, और तीन बुक हैं। तीन बुक में एक बुक नहीं मिली है, तो उसे मैं बाद में लेके आऊँगी। ये पूरा आया है मेरा 1500 का, 1500 की पड़ी ये नोटबुक और तीन बुक्स। तो ये वाली पर्ची थी उसकी, बुक्स की। और बस अब एक बुक रह चुकी है, तो उसे मैं बाद में लेके आऊँगी जब भी आएगी। वहाँ पे तो थी नहीं, कहीं और भी मिल देखूँगी, अगर कहीं और मिलेगी तो।
तो मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ आपको कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय। और फ्रेंड, मेरी इस आँख में पता नहीं क्या हो चुका है, बहुत लाल होती है। दो तीन डॉक्टर को दिखा दिया है मैंने, लेकिन दवाइयाँ मैं डाल रही हूँ तो ठीक है, और दवाइयाँ बंद कर रही हूँ तो एकदम से लाल हो जा रही है बहुत ही ज़्यादा। मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल जैसा लाल कलर होता है ना वैसे ही बिल्कुल लाल हो जा रही है। और अभी भी देख सकते हैं आप, अभी तो मैंने दवाई डाली है तो लाल नहीं दिखेगी आपको, लेकिन हल्का सा सूजन है मेरी आँख में, तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, कई बार सूज जाती है। अभी भी सूजन है इसमें, लेकिन अभी मैंने दवाई डाली है तो थोड़ा कम हो गया है। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ इस चीज़ से, और क्या करूँ मैं। दवाइयाँ मैंने बहुत सारी डाल दी, तीन प्राइवेट डॉक्टर को दिखा दिया है, अभी एक जिनको मैं दिखा रही हूँ तो उनके पास जाना था मैंने, लेकिन अभी ये हो गया कि उनका नंबर ही नहीं लग रहा है। जिस नंबर पे अपॉइंटमेंट लेते हैं ना, तो वो वाला नंबर नहीं लग रहा है। अब जब भी लगेगा, अब पता नहीं क्यों नहीं लग रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो देखती हूँ आगे क्या होता है। लेकिन मैं इस आँख से बहुत परेशान हो गई हूँ, एक डेढ़ साल से बिल्कुल ऐसी ही हो रही है। और मैंने तीन डॉक्टरों को दिखा दिया, तीसरे वाले को दिखा रही हूँ, इससे पहले मैंने दो डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने पहले एलर्जी बताई, लेकिन एलर्जी नहीं है, एलर्जी नहीं है। एलर्जी होती तो दवाइयों से शायद मुझे फ़र्क, दवाइयों से होता है, लेकिन दवाइयाँ जैसी छूटती हैं तो वो फिर से वैसे ही हो जाता है, वैसे ही लाल हो जाती है, फिर बहुत दिक्कत होती है। चलो फ्रेंड, फिर मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में, देखती हूँ मैं खाना क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आता है, दो ही लोग हैं तो बहुत दिक्कत होती है खाने में, क्या बनाऊँ क्या ना बनाऊँ समझ में नहीं आता है, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, तो मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे लगा रही थी मैं जिलत, कवर चढ़ा रही थी बुक्स और नोटबुक में जो मैं लेके आई थी, क्योंकि 4 तारीख से पे स्कूल हैं, तो मैंने सोचा कुछ मैं आज लगा दूँगी कुछ मैं कल लगाऊँगी, तो धीरे धीरे करके हो जाएगा ऐसे ही। तो यहाँ पे मैं कवर चढ़ा रही हूँ बुक्स में, और साथ में मेरा बेटा भी अपनी नेम चिट लगा रहा है, तो हम दोनों आज 3 बजे तक यही काम कर रहे थे। उसके बाद में हमने खाना बनाया और खाना खाया 3 बजे के बाद। तो दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।